अब मेरे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, तो वो बोलते हैं पापा मैम हम भी ठेला लगा लें कहीं क्या। अरे मैं क्या शर्म करूँ, अब सरकार के पास यही काम रह गया कि ठेला भी नहीं लगाने देंगे। अब पीएनबी कितना पैसा कमा रहा है और एक आम जिम्मेदार आदमी वर्कर है वो क्या कमा रहा है। अपने बच्चों के इतने हाई खर्चे हो रहे हैं कि हम एक टाइम रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो बताया हम शिमला शहर में हैं, तो साथ में हम बागवान भाइयों से भी बात करते हैं जो किसान यहाँ पे फल बेच रहे हैं। इनसे जानते हैं कि सरकार ये चुनावी वादे कर रही है कि सरकार किसानों को उनके दाम दिए जाएंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेंडा एक चुनाव की तरफ है। किसानों को क्या उनका हक मिल रहा है, उनकी फसल का हक उनको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखा जाए तो हक मिल भी रहा है मिल भी नहीं रहा। एक तो हमारा ये जो ये बारदाना है इतना महंगा हो रहा है रोज़ का रोज़ कि हम इसमें फल बेच नहीं पा रहे हैं। खाली पेटी 100 रुपये तक आ रही है, 50 से 100 रुपये तक, तो उसमें जो मतलब कस्टमर जो लेने वाला है वो उसका दाम तो लगाएगा नहीं और हमारे को इसका लॉस सहना पड़ता है, तो इसमें हमारा को मार्जिन बहुत कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आपको मार्जिन कम मिल रहा है और जो पेटी है उसका दाम बड़ा है। अभी ये सुनने में भी आया यहाँ पे कि जो सेब है वो शराब की पेटियों में बेचा गया, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सरकार की नाकामी है कि आप तक वो पेटियाँ नहीं पहुँच रही है सही दामों पर? वो तो सही है ना कि अब जिम्मेदार आदमी तो बेचेगा ही, अब किसी ना किसी चीज़ में तो बेचना ही पड़ेगा, खाली बैग में तो बिकेगा नहीं माल, तो वो तो मजबूरी है हमारी। अगर हमारे को बारदाना थोड़ा सस्ता मिलता तो हम इजीली बेच पाते। सरकार एक तरफ दावा कर रही है, बहुत वादे कर रही है लोगों से कि हमने किसानों को बहुत कुछ दिया है, हमने किसानों के लिए खादों में सब्सिडी दे दी है, हमने इनकी पेटियों में सब्सिडी दे दी है, हमने खिदान जो किसान है उनके इक्विपमेंट्स जो औजार है उनमें सब्सिडी दी है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सब चुनावी वो है ना कि हर सरकार दावा करती है कि हमने ये दिया वो दिया, पर असलियत में देखा जाए तो जिम्मेदारों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सरकार खाली जो इलेक्शन हो रहा है खाली बोलते हैं हम ओपीएस देंगे वो देंगे सो देंगे। अरे सरकारी आदमी को तो दोनों पार्टियां देगी, चाहे बीजेपी आए चाहे गवर्नमेंट आए चाहे कौन सी पार्टी भी आए, सरकारी आदमी को तो मिलेगा ही मिलेगा। एक पीएनबी कितना पैसा कमा रहा है और एक आम जिम्मेदार आदमी वर्कर है वो क्या कमा रहा है? उनके लिए ना कोई ओपीएस मिलेगा न वो वोट स्टंट के लिए तो ओपीएस की वो बोले कि हम ओपीएस देंगे, और जिम्मेदारों के लिए आम वर्कर के लिए क्या देंगे? मैं 88 का ग्रेजुएट बंदा हूँ, 88 का ग्रेजुएट बंदा हूँ, और सड़कों पे भी हमारे को जो कॉर्नर पे बैठे हैं हम बिल्कुल साइडों में शहर से बाहर, हमारे को फल बेचने के लिए भी बड़ी सख्ताई होती है, कई बार सख्ताइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के लोकल आदमी है थोड़ा साइडों में कोई अपना धंधा छोटा मोटा धंधा चलने दे हमारा, तो हम जिम्मेदार भाई भी कुछ या जो हम पढ़े लिखे इंसान हैं कुछ अपनी रोजी कमा सके। अपने बच्चों के इतने हाई खर्चे हो रहे हैं कि हम एक टाइम रोटी खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो सरकार एक तरफ वादा कर रही है कि हम सिलेंडर आपको फ्री दे रहे हैं, उज्ज्वली योजना इन्होंने चलाई है, तो आज सिलेंडर का जो भाव है वो कितना पहुंच चुका है? और आपने जैसे जिक्र किया कि हम किसान वर्ग हैं बच्चों को पालना मुश्किल है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो महंगाई तो हो रही है, वो सिलेंडर भी मिला है फ्री, ऐसी बात नहीं है, सिलेंडर भी दिया है सरकार ने फ्री, मगर अब सिलेंडर भरेगा कौन इतना महंगाई में? 1100-1200 तक पहुंच गया है दाम। बच्चों के खर्चे इतने हैं कि हम अपने बच्चों के कैसे पढ़ाएंगे, जो बेरोजगार आदमी के तो बड़े बुरे हाल है ना। आपने कहा आप 88 के ग्रेजुएट हैं, हाँ जी, तो उसके बाद आपने जॉब में ट्राई किया? बहुत ट्राई किया है, पर तब पोस्टें कितनी होती है, एक पढ़े लिखे इंसान को बोलते हैं हमने इतनी पोस्टें भरी है इतनी भरी है, अरे वो तो भरते हैं लोअर लेवल की। अब एक ग्रेजुएट बंदा बोलते हैं कि ये आपका ये जो क्या चलता है गाँव में मनरेगा, एक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बंदा गैंती मार के क्या मनरेगा में जाएगा? अभी भी पंचायत में बोल रहे थे आप मनरेगा में अपना नाम एंटर कराओ, हमारे बच्चों के नाम एंटर कराओ। यार हम पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हम मनरेगा में लगाएंगे उनको, कहाँ सरकार हमारे को रोज़गार देगी? हमारे को तो अपना ठेला भी नहीं लगाने देने के लिए, अभी इलेक्शन के लिए थोड़े दबे हुए हैं, उसके बाद तो हमारे को भी दुड़ा देंगे यहाँ से। हम आपको यहाँ से ये जो आपने यहाँ पे अपनी दुकान लगाई है इसको लगाने के लिए भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है? तो नहीं लेनी पड़ती, पर सरकार हमारे लिए थोड़ा ऐसा
थोड़ा रख देती है लिहाज के चलो यार गांव के आदमी है थोड़ा बहुत करने देती है। जैसा आपने अभी सरकार को कहा, सरकार के मुझे लग रहा है आप रुष्ट भी है सरकार से कि आप ग्रेजुएट हैं और आपको मनरेगा में भी काम करना पड़ रहा है, आपके बच्चों को भी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं हाई क्वालिफिकेशन जिनकी है वो भी आज मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर हो गए, तो कहीं ना कहीं आप इसको सरकार की नाकामी देखते हैं या? तो ये तो सरकार की नाकामी हो सकती है ना, अब इतने पढ़े लिखे बंदे इतने छोटे काम तो करेगा नहीं, जाएगा भी कहाँ जाएगा। अब मेरे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं तो वो बोलते हैं पापा मैम हम भी ठेला लगा लें कहीं क्या। अरे मैं क्या शर्म करूँ, अब सरकार के पास यही काम रहेगा कि ठेला भी नहीं लगाने देंगे अब। पर सरकार तो एक तरफ दावा कर रही है हम हजारों करोड़ों नौकरियाँ दे रही हैं। कौन सी नौकरियाँ दे रही है, जर्नल के लिए तो बिल्कुल ही जीरो है, एक दो पोस्टें ओपन आएगी जो कोई अच्छे पढ़े लिखे के लिए, उसमें कौन बंदा एंट्री मारेगा, कौन जाएगा। एक तरफ आपने जैसे जिक्र किया कि हाँ ओपीएस पे सरकार जो अपने इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस कह रही है हम ओपीएस लागू करेंगे, बीजेपी कह रही है हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर हम चुप रह जाते यार। सरकार जो एक एक लाख रुपया 50-50 हज़ार एक पीएन 50 हज़ार रुपया ले रहा है उनके लिए भी ओपीएस लगाएगी, हम जैसे बंदों के लोग लिए क्या लगाएगी, उनके लिए तो चाहे बीजेपी आएगी चाहे कौन सी सरकार भी आएगी उनको लिए तो संतुष्टि हो जाएगी, पर जो एम्प्लॉयज आदमी है वो तो फिर भी इनका भरेगा नहीं। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं? हाँ जी, हमारे बच्चों को कम से कम 5,000-10,000 की नौकरी भी देना सरकार तो हम उसमें भी खुश हो जाएंगे, पर ये सरकार ऐसा कर नहीं। पर जैसे किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ हम सब ने देखा, उसमें पूरे पंजाब से हरियाणा के किसान वहाँ मौजूद थे, तो उस इम्पैक्ट को कैसे आप देखते हैं कि किसान उसके बाद सेम उसी राह पे चल रहा है या कुछ सरकार ने चेंज किया? कई बार जे सरकार सुनेगी नहीं तो चलना पड़ेगा, और नहीं सुनेगी तो सरकार से बड़ा कौन है, सरकार की तो सुननी पड़ेगी, हमारे को सरकार से बड़ा तो कोई नहीं है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जैसा कि हम यहाँ पे हमारी मुलाकात किसान भाई से हुई है, यहाँ पे अपनी दुकान लगा के बैठे, तो ये कहीं ना कहीं इनकी नाराज़गी जाहिर है सरकार से, इन्होंने कहा मैं 88 में ग्रेजुएट हूँ तो आज तक नौकरियाँ नहीं मिली, पर एक तरफ सरकार दावा कर रही है इलेक्शंस में हम लाखों करोड़ों नौकरियाँ दे रहे हैं और सिलेंडर के जो भाव है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। तो आप बने रहें हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।